हाई एवरी वन वेलकम टू स्टडी आईस और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सोलरस बिहेवियर एंड क्लाइमेट चेंज तो अभी रिसेंटली रिसर्चर्स ने रिकॉर्ड किया है बसलिंग साउंड ऑफ़ मरीन ऑर्गैनिजम्स इन कोरल रीव्स ऑफ द कोस्ट ऑफ़ साउथ गोवा टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर तो बेसिकली रिसर्चर्स ने क्या किया यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड किया है कि किसी प्रकार के यहाँ पर बसलिंग साउंड जो है वो मरीन ऑर्गैनिज्म द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है है, कोरल रीफ्स में जो कि हमें आपके साउथ गोवा की तरफ देखने को मिलते हैं अब यहां पर इनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्च जो हैं वो जारी की गई हैं ओके इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये सारी चीजों को कवर करेंगे किस प्रकार की साउंड रही है क्या बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है ऑल right, चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यहाँ पर देखिए अनअकेडमी आप लोगों के लिए 50 परसेंट का डिस्काउंट लेकर आया है जो कि 30 तारीख तक ही यहाँ पर आपका अवेलेबल है तो जल्दी से अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड का इस्तेमाल करना ई एम एस लाइव जिससे कि यहाँ पर आपको ये डिस्काउंट जो है वो ईजिली मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं अन अकेडमी आप लोगों के लिए दो बैचेज लेकर आया है बाइलिंग आरंभ और फाउंडेशन डू एनरोल इन देम एक हिंदी बैच है लक्ष्य एंड देन यहाँ पर अन आप लोगों के लिए ऑल इंडिया प्रलिम मॉक टेस्ट लेकर आया है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही होगा अप्रैल उनतीस को ठीक है टाइमिंग्स ये रहे आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हो जल्द से जल्द चलिए फिर यहाँ पर फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है आप लोग इसमें भी इनरोल कर सकते कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना ए एम एस लाइव विच विल गिव यू ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट चलो स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ के बारे में और चीज़ें कवर करते हैं तो रिसर्चर्स जो हैं आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इन्होंने यहाँ पर हाइड्रोफोन्स का इस्तेमाल किया है ताकि ये यहाँ पर जो अंडर वाटर साउंड है ऑर्गेनिज़म्स की उनको यहाँ पर फील कर पाए जो कि इनको अरेबियन सी में देखने को मिली है हाइड्रोफोन्स क्या होते हैं ये लो कॉस्ट मीन्स ऑफ मॉनिटरिंग स्पीशीज़ है इट इज बीन यूज फॉर मॉनिटरिंग द स्पीशीज और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हेल्प करती है रिसर्चर्स की जिससे कि वो स्टडी कर सके अबांडेंस डाइवर्सिटी एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इट कैन ऑल्सो रिवील हाउ दे रिस्पोंड टू क्लाइमेट चेंज एंड एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस बेसिकली जो ह्यूमन एक्टिविटीज रहती है ठीक है अब यहाँ पर ये यह जो टेक्नोलॉजी है वो रिसर्चर्स की बहुत मदद करती है जिससे कि वो यहाँ पर स्टडी कर पाए अबंडेंस को डाइवर्सिटी को बिहेवियर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स को और साथ ही यह साथ ये यहाँ पर आपका रिवील करती है कि किस तरीके से ये जो जीव है वो क्लाइमेट चेंज पर या आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर रिएक्ट कैसे करते हैं हाउ डू दे रिस्पॉन्ड सो मोस्ट ऑफ द फ़िश जो है वो वोकलाइज करती है इन द फ्रीकुन्सी रेंज ऑफ टेन हर्ट्स हंड्रेड हर्ट्स ठीक है टू टू थाउजेंड हर्ट्स तो सौ हर्ट्स से लेकर दो हज़ार हर्ट्स तक यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जो कि फ़िश के द्वारा वोकलाइज की जाती है श्रिम जो हो गए आपकी झींगा उनके द्वारा दो हज़ार से बीस हजार हर्ट्स तक यहाँ पर रेंज देखने को मिलती है हाइड्रोफोन्स जो हैं दे ऑल्सो पिकअप द साउंड ऑफ विंड तो विंड की साउंड भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है पचास से बीस हज़ार हर्ट्स एंड ओशनिक ट्रैफिक अगर देखा जाए तो दस से दस हज़ार हर्ट्स तक भी सुनाई पड़ता है ओके okay. इसके बाद आप देखोगे कि की फाइंडिंग्स क्या रहे हैं स्टडी के तो जो लिंक है आपका कोरल रीफ़ और सोनी फेरिस के बीच में उसके बारे में अगर हम बात करें तो कोरल रीफ जो सिस्टम है दैट इज़ हेल्दी फिश यहाँ पर आपकी दे आर प्रेजेंट देर ठीक है दे एंड द प्रेजेंस ऑफ सोनी फेरिस जो है जो साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं दे विल द फिश विल जनरेट साउंड ओवर योर

जो यहाँ पर इट मीनस द एक्टिविटीज जो है वो कंट्रोल्ड है बाई द टेम्परेचर एक्टोथर्मिक का मतलब इनकी जो एक्टिविटीज हैं विच आर बीन कंट्रोल्ड बाई देशर तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर यू कैन सी द एक्टिविटीज ऑल राइट चलिए अब यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेशनल क्वाइट ओशन एक्सपेरिमेंट ये एक प्रोग्राम है जो कि एम करता है हाउ टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ़ साउंड जो कि यहाँ पर आपके मरीन ऑर्गैनिज्म द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं दे यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर टेक्निक्स जिससे कि आइडेंटिफाई करते हैं स्पीशीज को जो कि यहाँ पर नॉइज प्रोड्यूस कर रहे हैं नाउ दिस इंक्लूड स्नैपिंग श्रिम्प एज वेल एज जो कोरसेज हैं आपके फिस स्पीशीज के दैट ईट प्लैंकटन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स विच लिव इन दी ओशन तो दीज आर थिंग्स विच वी कैन सी हमारे मरीन और मरीन ऑर्गेनिज़म्स में जो चेंजेस हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज एज वेल ठीक है तो यही था आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी तो वो कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगती तो आप इसे क्या करोगे लाइक करोगे शेयर करोगे है ना जी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना चलिए सो वी आर गोइंग टू टॉक मतलब वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे है बाय ऑल ऑफ यू